बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं जो आपके लिए पैटर्न लेकर आई हूँ, ये बहुत से छोटे छोटे पैटर्न हैं। ये देखिए, एक छोटा सा डिज़ाइन दिखाया गया। आप प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। ये एक कश्ती बनाकर दिखाई गई है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपनी घरेलू चीज़ें बनाते हैं उन पर इस्तेमाल करने के लिए। किसी में चेरी बनाकर दिखाई गई है, किसी में फल दिखाए गए हैं, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को देखकर अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाएं। और जो न्यू बिगनर्स होती हैं वो कुछ ना कुछ सीख रही होती हैं, तो छोटे छोटे पैटर्न होते हैं, कोई परीते होते हैं, कुछ भी बनाकर दिखाए गए हैं। इसमें फ्लावर हैं और देखिए कितने प्यारे से कप बनाए गए हैं। इसी तरह आप ये छोटी छोटी की चेन में डाल सकते हैं, आप कहीं डेकोरेट कर सकते हैं। कितनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं। छोटी चीज़ों में तो इतनी ज़्यादा कशिश होती है कि हम देखते ही जो बड़े बूढ़े जवान यंग बच्चे सभी देखकर फिदा हो जाते हैं कि कितनी प्यारी सी क्यूट सी चीज़ है। चाहे वो हमारे काम की भी ना हो, यानी कि हम इस एज में भी हों कि वो हमारे काम की नहीं, फिर भी हम उसको इतने अच्छे तरीके से सेव करके रखते हैं कि प्यारी सी है, खूबसूरत सी है, तो अपने इस्तेमाल में भी नहीं आती तो अपने पर्स में रख लेते हैं, अपने पर्स के साथ एक किचन के साथ ऐड कर लेते हैं। और किसी भी वॉल पर कोई भी चीज़ हमने सजावट के लिए डेकोरेट करने के लिए लगाई, वहीं पर इसे ऐड कर देंगे। देखिए, एक बेबी की छोटी सी कैप है। आप इस तरह की कैप भी, कीचेन भी बना सकते हैं, बेबी की कैप भी बना सकते हैं। फ्लावर के बहुत से तरीके हैं। कलर देखिए कितने खूबसूरत, ग्रीन के साथ हर कलर खूबसूरत लगता है। और फ्रेंड, ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर है। छोटे छोटे पैटर्न हैं जो बनाने के तरीके आपको मिल जाएंगे। और आप छोटी छोटी सी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा एक फ्लावर है और एक छोटा सा भालू बनाकर दिखाया। आप एक ही माउस बना लें। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सी छोटी छोटी सी चिड़िया बना लें, आप बो बना लें, फ्लावर बना लें। इस तरह की चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं और हम ये कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक छोटी सी चेरी बनाकर दिखाई गई है। ये कितनी आसान सी, बहुत ही ईजी है। गोल रिंग सा बनाएंगे और उसके बाद हम दो पत्तियां बना लेंगे। इस तरह की भी वीडियो हमने अपने चैनल पर बनाकर दिखाई है। तो ये देखिए, आप है ना अपनी पोनी बना सकते हैं, रबड़ बैंड लगा सकते हैं। और ये देखिए छोटा सा कितना प्यारा सा एक परिंदा बनाकर दिखाया गया। आप कलर अपनी मर्ज़ी से बनाएं। और ये कितना प्यारा एक गुलाब का फूल बनाया। फूल वैसे भी सबको पसंद है, कशिश होती है फूलों में। हम ओरिजिनल फ्लावर देखते हैं, फूल देखते हैं, बागीचे में देखते हैं, बच्चे बड़े जो भी देखते हैं तो सोचते हैं हम इसको तोड़ लें, जबकि तोड़ कर बागीचे से वो मुरझा जाता है। तो ऐसे देखकर खुश होना चाहिए, हमें तोड़ना नहीं चाहिए। कहीं बुका देना हो तो हमें मार्केट से ले लेने चाहिए, तैयार मिल जाते हैं। कहीं किसी की इयादत के लिए जाते हैं, किसी के खुशी के मौके पर जाते हैं, किसी की इंगेजमेंट पर या शादी के मौके पर, तो हम उन्हें बुके प्यारे प्यारे देते हैं। तो आप इस तरह की भी छोटी छोटी चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाकर गिफ्ट बना सकते हैं। किसी बच्चियों को देने हो, छोटे छोटे बच्चों को हम प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनाकर दे सकते हैं।